हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन में। गाइस, अगर आप अपने इंस्टाग्राम के डेटा को डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यार मैं कोई नई वीडियो डालूँ इंस्टाग्राम से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इंस्टाग्राम के डेटा को कैसे डाउनलोड करते हैं, फोटो और वीडियो, चैट, कॉल हिस्ट्री, लोकेशन हिस्ट्री, जो भी होता है इंस्टाग्राम के डेटा में, सारा का सारा आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल पर चले जाना है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर कोने में आपको थ्री लाइंस दिखेंगी, तो आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करना है और एंड यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में चले जाना है। एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड डेटा पे क्लिक करना है। डाउनलोड डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल दे देनी है, जिस भी, क्योंकि इंस्टाग्राम आपका जो डेटा है आपके ईमेल के थ्रू आपको सेंड करेगा, तो आप ईमेल से ही डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप किस ईमेल पे अपना इंस्टाग्राम का डेटा लेना चाहते हैं, आप आपके पास एक कोई ईमेल होगी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है, आपको यहाँ पे ईमेल फिलअप कर देनी है, जिस भी ईमेल पे आपको अपने इंस्टाग्राम के डेटा को मंगाना है। इंस्टाग्राम जैसे कि आप यहाँ पे ईमेल डाल देंगे तो आपको उसी ईमेल पे इंस्टाग्राम आपके अकाउंट का जो डेटा है, जो भी हो डेटा है, वो आपको आपके ईमेल पर ही सेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी एक ईमेल डाल देना होगा, जो कि आपके पास अभी प्रेजेंट में ईमेल हो, वही आपको ईमेल यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंट्री कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड रिक्वेस्ट वी स्टार्टिंग क्रिएटिंग फाइल योर वी शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम विल बी ईमेल लिंक टू, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ईमेल दे रहा है, इस पर बता रहा है कि आपका जो डेटा है इस ईमेल पे सेंड किया जाएगा, जो फाइल बना के हम इस ईमेल पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल ओपन हो कर लेना है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ईमेल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम जो है आपका डेटा है उसी ईमेल पे यहाँ पे सेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा थोड़ा टाइम लगा हुआ है, क्योंकि एक मिनट भी लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है आपको ईमेल आने में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम योर डाटा, योर इंस्टाग्राम डेटा, तो आपको इस ईमेल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, डाउनलोड डेटा, तो आपको डाउनलोड डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है इसे। तो यहाँ पे मैं इसे क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगेन आपको यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको इसे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं इसे नॉट नाउ कर देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड सेव करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड डेटा पे आपको क्लिक करना है। ये एक फाइल है, इसी के अंदर आपका सारा इंस्टाग्राम का डेटा है, फोटो वीडियोस जो भी डेटा हो आपका इंस्टाग्राम का, वो इसी फाइल में, तो आपको डाउनलोड डेटा पे क्लिक करना है।
जैसे आप डाउनलोड डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जो फाइल है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिटेल्स पे यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे वेब करके, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो इंस्टाग्राम की फाइल है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पे इसी फाइल के अंदर आपका सारा का सारा इंस्टाग्राम का डेटा स्टोर है, तो आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो इसी फाइल के अंदर आपका सारा का सारा डेटा है, तो ऐसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल है, आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसी के अंदर सारा का सारा आपका डेटा है। तो ऐसे आप आसानी से इंस्टाग्राम के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको इंस्टाग्राम के डेटा को डाउनलोड करने में गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जिससे मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।